हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। तो आज की क्लास में जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके रेस विश्वकर्मा अवार्ड्स हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस। ये हमारे टॉपिक्स हैं, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस के बारे में। रेस आपका क्या है? रेस का फुल फॉर्म है, ये होता है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये देखिए, ये है आपका रेस का फुल फॉर्म। उसके बाद अगर हम बात करें कि रेस बेसिकली है क्या, तो ये आपका रेस जो है ये एक समिट है जो कि होने वाली थी आपकी न्यू दिल्ली में अप्रैल 11 से 12 के बीच में, पर चूंकि ये लॉकडाउन हो गया और ये सारा इशू हो गया तो इसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया है और अब ये होगा अक्टूबर 5th और 6th को न्यू दिल्ली में। ये जो समिट है आपकी, ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सो दैट वी कैन फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड फील्ड में जो भी अभी तक जितने भी आपके इनोवेशन हुए हैं, जितने भी आपके कंट्रीब्यूशन हुए हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको अवार्ड्स दिया जाएगा और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही ये पूरी समिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए और कब ये होने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्वकर्मा अवार्ड्स। विश्वकर्मा अवार्ड्स आपका ये अवार्ड जो है ये दिया गया है फरवरी 24th को। इसको दिया है यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने। विश्वकर्मा अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये अभी जो इस साल दिया गया है आपका, ये 2019 के लिए है जो फरवरी 24, 2020 को दिया गया है। ठीक है, 2019 का है, मतलब 2019 में जो भी इंस्टीट्यूट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो 23 ग्रुप्स थे जिनको छात्र विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है और 6 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनको उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है। ये अलग अलग 2 कैटेगरीज हैं जिनमें ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल की जो थीम थी वो थी आपकी हाउ टू एनहांस द इनकम ऑफ अ विलेज, ये इसकी विश्वकर्मा अवार्ड्स की थीम थी। इसमें ऑलमोस्ट 2372 टीम्स ने अपनी सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए, सबमिट किए और फाइनली इनका 3 स्टेज का इवैल्यूएशन हुआ जिसमें 117 टीम्स को सिलेक्ट किया गया। टीम्स जो थे ये अपने प्रोटोटाइप्स कहाँ पर इन्होंने शो किया था, इन्होंने शो किया था नेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विश्वकर्मा अवार्ड्स हैं क्या, तो ये अवार्ड जो है ये इनको AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन देता है और ये इसको 2017 से देता आ रहा है। यहाँ पर जो सोसाइटी में जो भी हर साल ग्रोथ होता है उसको देखते हुए उस जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको अवार्ड दिया जाता है, उनके स्टाफ को अवार्ड दिया जाता है, उस इंस्टीट्यूशन का अवार्ड दिया जाता है। तो जो छात्र विश्वकर्मा अवार्ड है ये क्लास 1 अवार्ड है और इसको प्रेजेंट किया जाता है, इसको दिया जाता है हाईली प्रोग्रेसिव स्टाफ के लिए। अगर आपका इंस्टीट्यूट के जो भी स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, उनको कुछ वो ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं जो सोसाइटी को हेल्प करें, उनकी सोसाइटी की ग्रोथ में हेल्प करें, तो उनको छात्र विश्वकर्मा अवार्ड दिया जाएगा जो कि आपका क्लास 1 अवार्ड है। उसके बाद नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड, ये क्लास 2 अवार्ड है और ये प्रेजेंट किया जाता है एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन के लिए। जो भी इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है उस इंस्टीट्यूशंस को ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये आपके 2 अवार्ड हैं, इनके ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी याद कर लीजिएगा ताकि विश्वकर्मा अवार्ड के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इसके बारे में पता हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम इसको कवर कर रहे हैं। और फरवरी 24, 2020 यूनियन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने बात करी थी कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आने वाले समय में वो जो इंस्टीट्यूट हैं वो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट हो सके, उनकी रैंकिंग्स को बेटर किया जा सके, इसीलिए ये आपकी जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है वो अवार्ड टैग दिया जाता है। तो यहाँ पर ये मीटिंग ली गई थी ये जानने के लिए कि कैसे वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है वो कैसा परफॉर्म करें, जो भी उनको पर्टिकुलर फंड दिया गया है, जो उनको ग्रांट्स दिया गया है, क्या उस ग्रांट्स को वो अच्छे से यूटिलाइज करें या नहीं यूटिलाइज करें या किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है उन्होंने प्रोफेसर्स एंड फॉरेन फैकल्टीज़ को कितना ज़्यादा यूज़ किया है ये भी वहाँ पर चेक किया गया है। तो
ये सारा चीज़ है। और उसके अलावा ये जो आपके इंस्टीट्यूट्स होंगे उनको अडॉप्ट करना है उन्नत भारत स्कीम को भी। उन्नत भारत स्कीम क्या है इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो उन्नत भारत स्कीम जो है आपका, ये आपका रूरल डेवलपमेंट के एरिया में है, रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये स्कीम इस बात को ध्यान में रखती है कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनका इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन ना हो और उनके अंदर इनइक्विटी इंक्रीज हो। ठीक है, 70% ऑफ द विलेज लिव्स इन रूरल इंडिया, ये तो हमें पता ही है कि हमारा इंडिया जो है 70% रूरल इंडिया में रहता है और इसीलिए जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में है। और यही वजह है कि हम इस स्कीम को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फेमिनेंस को इसलिए भी फोकस किया गया ताकि वो विलेज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जाकर डेवलपमेंट का काम करें, वहाँ पे लोगों को फोकस करें, वहाँ पर उन लोगों को शिक्षित कर पाएँ, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरीके से इन दोनों स्कीम्स को आपस में टैग अलॉन्ग किया गया है। ठीक है, तो ये आपके आज के टॉपिक्स थे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट करके। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।